अभी अभी मैंने किचन क्लीन किया है और अब आ गई हूँ मैं किचन को गंदा करने। इनके ड्रामे शुरू हो जाते हैं, सपना देख रहा हूँ, देखो जागते पे सपना देख रहा है ये, बैठा बैठा सपना देख रहा है। अब किचन को बढ़िया बना दिया आपने। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या है, हम सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं हम लोग नाश्ता। हम जा रहे हैं, अभी नाश्ता हो रहा है और ये देखिए रैयान। आज रैयान हमारे सच में बुखार आ गया है। कल ये ड्रामे कर रहा था कि मुझे बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, पर नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन इनको फिर बुखार आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद जाएंगे, इनको दवाई दिला कर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अभी गए थे हम लोग रैयान को दवाई दिलाने के लिए। रैयान को अभी अभी दवाई लेकर आए हैं और साथ में मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग भी करके आ गई हूँ, क्योंकि जब मार्केट गई थी तो सोचा चलिए कुछ ना कुछ खरीद भी लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ जो है वो हल्की हल्की सी स्टार्ट हो रही है कुछ टाइम बाद। अभी दोपहर में इतनी कड़क धूप थी ना बाहर, तो मुझे लगा अब गर्मी आने वाली है। तो बाहर निकली तो कुछ ड्रेस मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अपने लिए ड्रेस ले ली है। और पता क्या है, मैं मार्केट में ब्लॉग नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग लेने के लिए ना क्या है कि मुझे खुद लेना होता है। हस्बैंड जी हमारे इतने ज्यादा शर्माते हैं, वो मार्केट में फोन ही नहीं पकड़ते। मैं उनसे कहती हूँ आप कैमरा ऑन करके बस पकड़ लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, बस कहते नहीं मैं नहीं पकड़ सकता। तो वो तो लेते नहीं है, इस वजह से ब्लॉग नहीं आता, क्योंकि सामान जो है वो मैं ही देख रही होती हूँ, मुझे ही खरीदना होता है, सारा कुछ मैं ही चेक करती हूँ। अगर मैं उनको बोलती हूँ ना तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या लेना चाह रही हो, क्या कह रही हो, क्या नहीं। तो इस वजह से मुझे ही सामान लेना होता है, मुझे ही कैमरा पकड़ना होता है। तो इसी वजह से मैं फिर ना आप लोग को घर लाने के बाद दिखा देती हूँ। अभी क्या है, मैं ये देखी कुछ ड्रेस लेकर आई हूँ, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। मैंने एक ये ड्रेस लिए है और दूसरा मैंने ये वाला ड्रेस लिया है। इसकी भी बाजू ना थोड़ा सा गर्मी के लिए मुझे इस तरह की अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि इनको पहन के काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी लगती है, तो इस वजह से ले लिया मैंने। और इसके साथ में इसका ये ट्राउजर लगाया था, और इसका मैंने ट्राउजर अभी नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इनका नेक्स्ट टाइम जाऊंगी फिर लगा लूंगी, अभी मुझे बहुत टाइम हो रहा था। इसकी बाजू बहुत अच्छी है, इस तरह की बाजू दी गई है ना इसकी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो, तो इसका प्यारा, दोनों का ही बहुत अच्छा लुक आ रहा है, अलग अलग लुक है। तो बस अभी मैंने सिर्फ इतना ही लिया है। हालांकि अभी ना सर्दी है, लेकिन क्या है ना, जब मैं बाहर निकली ना तो इतनी तेज धूप जो मुझे लगी, तो मैंने कहा कि यार गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, कपड़े ले लेते हैं गर्मी के लिए। और अभी मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन सिस्टम आए हुए हैं। तो मैंने कहा जैसे ही गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी फिर ये कि धूप में निकलने का दिल नहीं करता, और फिर टाइम मिले ना मिले, अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो फिर मैं ले लेती हूँ, तो क्यों ना ले लिया जाए। तो मैंने बस झटपट इन दोनों ड्रेसेस को ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो फिर इसके लिए भी मैं ट्राउजर लगा लूंगी। अभी मैं बस दो ही, इतना लेने में तो मुझे इतना टाइम लग गया था, बहुत ज्यादा, और बच्चे को दवाई भी खिलानी थी रैयान को, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी से वापस आ गई और कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ साथ में। जाहिर सी बात है आप मार्केट जाते हैं तो किचन का सामान तो जरूर ही आता है, तो कुछ सब्जियां ली थी और चिकन वगैरह भी लेकर आई हूँ। तो चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, इसको पैक करके रख देती हूँ और चलते हैं किचन को साफ करते हैं, जो कि हमारा माइक्रोवेव वगैरह वेट कर रहा है मेरा कि मैं कब आऊंगी, उसको साफ करूंगी और फिर उसको उसकी जगह पर रखूंगी। तो बस इसीलिए अब मैं चलती हूँ किचन में और चल के करते हैं किचन को क्लीन और सारा सामान जो है उसको अपनी जगह पर रखते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल जल्दी से इसको रखती हूँ और किचन में चलते हैं, जो बाकी का काम है वो कर लेते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा अब किचन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ, मम्मा ने अब किचन को बढ़िया बना दिया आपने। अब मम्मा ने बोला जिसने भी किचन में आप गंदगी करी, मम्मा उसकी बैंड बजा कर रख देंगी। और फ्रेंड्स मम्मा ने इस बार किचन को इतना प्यारा डिजाइन दिया है कि आप लोग भी देख के हैरान रह जाएंगे। नहीं इतना भी प्यारा नहीं है, मैंने बस ऐसे छोटे मोटे चेंजेस किए हैं, इतना वाह। हाँ बेटे इतना भी प्यारा नहीं किया है, खैर लेकिन मेहनत बहुत लगी, क्योंकि पूरा किचन पहले खाली किया, फिर उसके बाद हर एक चीज को साफ किया अच्छे से, फिर उसके बाद उसको दोबारा से किचन को साफ किया, फिर सामान सारा लगाया, तो बहुत मेहनत लगी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मेरा किचन। फ्रेंड्स ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, ये है हमारा माइक्रोवेव। इसको ना मैं इस पॉइंट से यूज कर सकती हूँ, यहाँ पर हम
चार्जिंग भी करते हैं। मैं फोन अपना यहीं पर चार्ज करती हूँ। थोड़ा सा सामान मैंने यहाँ लगा दिया है और यहाँ पर लगा दिया है अपना मिनी ओवन, तंदूर एंड सैंडविच मेकर। क्या ना कि इसको कवर कर दिया ताकि ऑयल वगैरह जाता ना तो बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है, और ऊपर दिया है मैंने इसके लिए पॉइंट, तो ये दोनों चीजें यहाँ यूज हो जाएंगी, इसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है कि इन सबको ना मुझे बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, नीचे उतारना नहीं पड़ता है। क्या था कि पहले हमारा ना यहाँ पर रखा हुआ था सारी चीज, तो मुझे यूज करने के लिए नीचे रखना पड़ता था, मैं यहाँ रख के यूज करती थी फिर इस पॉइंट पर लगा सकती थी। लेकिन अब भी क्या है, अब मैं इसको वहां भी यूज कर सकती हूँ, यहाँ भी यूज कर सकती हूँ, मुझे दोनों जगह पर इनको जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। और बाकी का ये रहा हमारा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सामान जो था अंडे वगैरह वो सब रख दिए, वहां से टोकरी जो है वो मैंने नीचे शिफ्ट कर दी है, और ये आ गया हमारे किचन का फाइनल लुक। कैसा लग रहा है यान? बढ़िया बढ़िया। अरे मेरे भूख लग रही है अभी बनाती हूँ कुछ। मेरे पास वॉलपेपर रखा तो मैंने वो लगा दिया है, लेकिन ज्यादा फिनिशिंग नहीं आई है क्योंकि मैं मुझसे बहुत मुश्किल से लगा, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाएगा ना, इसलिए लगा दिया है। अभी मैंने किचन क्लीन किया है और अब आ गई हूँ मैं किचन को गंदा करने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये देखिए कॉफी और साथ में लेंगे नमकीन, क्योंकि काम करते करते इतनी ज्यादा थकान लगी तो मैंने सोचा चलिए चाय बना लेती हूँ, पर फिर सोचा नहीं कॉफी बना लेते हैं, हमजा रैयान को भी कॉफी पीनी थी तो बस फिर हम सब ने कॉफी बनाने लग गई अपने लिए। ये देखिए ठंडी कर रहा है ठंडी कर रहा है हाथ करके, है ना, हाथ से आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियां आ गई हैं। मैंने कल तो मैंने स्वेटर पहना था, आज इन लोग को खैर पहना रखा है क्योंकि बच्चों के लिए अभी थोड़ा नुकसान है और इनको बुखार भी हो रहा है, तो इसलिए पहना के रखा हुआ है। सौ बुखार क्योंकि जब तक गए ना तो पता चला 100 था, तो मैंने कहा कोई नहीं, इनका सुबह में बहुत ज्यादा इनको तेज हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा ले जाइए। मजाक नहीं सच्ची बोला था पर मुझे ऐसा लगा था कि तुम ऐसे ही मजाक बोल रहे हो, नहीं इनको अंदर अंदर फील हो रहा होगा। हाँ हो रहा था। ये कहते हैं तो चलिए नाम मजाक मत समझा करो नहीं समझूंगी ओके। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग कॉफी पीते हैं। रेन कॉफी पी लो, ठंडी हो गई ठंडी। फ्रेंड्स इसको देखिए, ये पिछले ना 15 मिनट से अपनी दवाई यहाँ रख के बैठा हुआ है और दवाई खा नहीं रहा है। मैं से बोल रही हूँ खा लो, नहीं हाँ मैं अभी खाऊंगा। दवाइयों का पहले इन्होंने चुनाव किया कि छोटी खानी है कि बड़ी खानी है, तो डिसाइड किया कि बड़ी पहले खानी है। सबसे बड़ी हाँ। इतनी उससे छोटी, उसके बाद मतलब उसके बाद और छोटी, फिर उसके बाद और छोटी, चार हैं तो कह रहे सबसे छोटी वो लास्ट में। तो मैं ओवल वाली उस सबसे बड़ी से छोटी के बाद उसके बाद सबसे पिद्दी। लेकिन खा नहीं रहा है, सब कुछ डिसाइड कर लिया पर अभी तक खा नहीं रहा है। पिछले 15 मिनट से मैं इसके मुंह में बार बार दवाई रख रही हूँ, लो मैं रख देती हूँ बेटा तुम खा लो। नहीं हाँ मम्मा मैं अभी खाऊंगा, हाँ रुको अभी खाऊंगा, ऐसे करे जा रहा हूँ और खा नहीं रहा है। इन्होंने इतना परेशान कर लिया, भैया खा लो मेरी बच्ची। मैं बोल रहा हूँ जब आप वो कर लोगी क्या ब्लॉग बना लोगी तब खिलाना, तब खिलाना, तो मैं बंद कर देती हूँ आज आप लोग को। फिर पहले जितना बोलना उतना, तो मैंने बोल दिया अभी आपको दवाई खिला देते हैं फिलहाल। हमजा आप नहीं रखो। देखिए हमजा रखने आए हैं, हमजा रखने के लिए। मेरे लिए तो खोल दो बेटे, मुंह खोलो भाई, मुंह खोलने के लिए कह रहा है। देखिए ऐसे मुंह बंद करके बैठा हुआ ही दवाई खाएगा। मैं इसको पहले दवाई खिलाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जब अंदर गई तो ऐसे एकदम तो डरा दिया हम लोगों ने, क्या हो गया तो कह रहा वो तो एक बार में चली गई। आपके डराने का काम करता हूँ, डराने का काम करता हूँ, गंजू हमारे डराने का काम करता है। अरे इतने में कह रही मैंने कहा क्या हो गया, वो तो एक बार में ही चली गई। इससे पूछा था डॉक्टर साहब ने, पूछा कि आप गोली खा लोगे या फिर पीस के दे, तो कह रहा है नहीं मैं गोली खा लूंगा। और जब दे दिया तो फिर यहाँ लाने के बाद गोली खाने में इतने ड्रामे कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से ना पीस के लाऊंगी। वॉमिटिंग मतलब उल्टी आ रही, उल्टी कैसे कर रहा हूँ उल्टी मम्मा, देखिए भाई इसको उल्टी आ रही है। ये ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा।
मुझे लगा ही नहीं उल्टी भी आने लगी थी। आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। हंस रहा है, हंसने दो। तो मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या अच्छा लगा। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो पीछे ड्रामे कैसे चल रहे, ड्रामे जरा सा चैन मिलता नहीं ना कि इनके ड्रामे शुरू हो जाते। सपना देख रहा हूँ, देखो जागते पे सपना देख रहा है, ये बैठा बैठा सपना देख रहा है। क्या देखा सपने में? मैंने देखा कि व्हाइट ट्रेन ईटर वो भी घिसकते चलते पटरी पर चलते चलते मेरे सामने आ गया। मैंने घर से हथौड़ा उठा के लिया उसकी, जब सामने खड़े बने हुए बंदे और मारा पूरा पूरा। मैंने उसके ऊपर बस बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं सुन सकती मैं नहीं सुन सकती। तो फ्रेंड दूर भागा कि वो कभी मुझे ढूंढ नहीं पाया। हाँ ठीक है, तो सपना खत्म हुआ? सपना खत्म हुआ नहीं, नहीं हुआ, खत्म करो। अब नहीं सुनूंगी मैं आगे, अब नहीं सुनूंगी मैं आगे, अब खत्म कर दो। तो फ्रेंड्स मैं अब ये बहुत लंबी कहानी है, तभी तो मैं कह रही बहुत लंबी है, मैं नहीं सुनूंगी, खत्म कर दो। मैं भी सो जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ पर मैं मुझे मेरा काम करने दो। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।